शिखरासीनम् देवदेवं जगद्गुरुं शंकरं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। Thank you.
सदाशुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव राम ह्रीं राम रूपिणी तथा राम ह्रीं क्षों क्षों स्वरूपा सा सदा शत्रुं विदारयेत् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी हूं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा यया शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महासुरः वैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विद्विषः सुरेश्वरी घोररूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला भृतांगी च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे दौष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनि मम शत्रून् खाद्य खाद्य हिंस हिंस मारय मारय भिन्दि भिन्दि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा राम ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुं समर्पयामि स्वाहा ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धाना चामुंडे सर्वजना राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छक्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्ष स्वाहा कवचं दिव्यं कथितं शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिकाया भवन्ति हि बलहीना पुत्रहीना प्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठना सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकरभाषितं श्मशानांगारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पृष्ट्वा कल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रुं हीनरूपान् उत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये
पचन्तु स्वयं पठे शत्रुः प्राणप्रियष्ठान्तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रु गच्छयमक्षयम् ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं रुच्छनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमैश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनैयाति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात्किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवि सर्वसंपत्करे शुभे सर्वदेवस्तु ते देवि कालिके त्वां नमाम्यहम्। शत्रुसंहाक्षयं यान्ति भवन्ति
व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। मम शत्रून् खा
खाद्य खाद्य हिंस हिंस मारय मारय भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा राम ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुं समर्पयामि स्वाहा ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धाना चामुंडे सर्वजना राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छक्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्ष स्वाहा कवचं दिव्यं कथितं शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां युवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिकाया भवन्ति बलहीना पुत्रहीना प्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठना सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभाषितं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पृष्ट्वा कल्लिधे लोहशलाकया भूमौ शत्रुं हीनरूपान् उत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठे शत्रुः प्राणप्रियष्ठान्तु मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रु गच्छयमक्षयम् ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं रुच्छनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमैश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनैयाति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात्विंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवि सर्वसंपत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवि कालिके त्वां नमाम्यहम्
व्यास शिखरासीनम् देवदेवं जगद्गुरुं शंकरं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। Kali ka
घोर रूपा सर्व काम प्रदा शुभा सर्व देवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव राम ह्रीं राम रूपिणी तथा राम ह्रीं क्षों क्षों स्वरूपा सा सदा शत्रुं विदारयेत् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी हूं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा यया शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महासुरः वैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विद्विषः सुरेश्वरी घोररूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला भृतांगी च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे दंष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनि मम शत्रून् खाद्य खाद्य हिंस हिंस मारय मारय भिन्दि भिन्दि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा राम ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुं समर्पयामि स्वाहा ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धाना चामुंडे सर्वजना राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छक्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्ष स्वाहा कवचं दिव्यं कथितं शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिकाया भवन्ति हि बलहीना पुत्रहीना शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठना सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्धन्ति यथा शंकरभाषितं श्मशानांगारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पृष्ट्वा कल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रुं हीनरूपान् उत्तराशिरसस्तथा
क्षयमक्षयम् ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिताभृशम् पूच्छनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमैश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिबुद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनीयाति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात् किं करतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवि सर्वसंपत्करे शुभे सर्वदेवस्तु ते देवि कालिके त्वां नमाम्यहम्। ॐ ह्रीं कालिकायै नमः। ॐ ह्रीं कालिकायै नमः। ॐ ह्रीं कालिकायै नमः। भोगमोक्षप्रदं चैव
कालिका कवचं पठे। ॐ अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कालिका देवता शत्रु संहारार्थ जपे विनियोगः। उच्चाटय उच्चाटय द्रा
द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुं समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर ममरिपुं ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धाना। चामुंडे सर्वजना राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छक्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्ष स्वाहा। कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिकाया भवन्ति हि बलहीना पुत्रहीना प्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठना सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभाषितं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पृष्ट्वा तल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रुं हीनरूपान् उत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठे शत्रुः प्राणप्रियष्ठान्तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रु गच्छयमक्षयम् ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं रुच्छनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमैश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनैयाति देशाद्वाविच्युतो भवे पश्चात्किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवि सर्वसंपत्करे शुभे सर्वदेवस्तु ते देवि कालिके त्वां नमाम्यहम्। ॐ ह्रीं कालिकायै नमः। ॐ ह्रीं कालिकायै नमः। ॐ ह्रीं कालिकायै नमः। Thank you.
कैलास शिखरासीनम् देवदेवं जगद्गुरुं शंकरं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्। Thank you.
कालिका घोररूपा सर्वकाम प्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणी चैव राम ह्रीं राम रूपिणी तथा राम ह्रीं क्षौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रुं विदारयेत् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी हूं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा यया शुंभो हतो दैत्यो निशुंभश्च महासुरः वैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुंडा खादन्तु मम विद्विषः सुरेश्वरी घोररूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला भृतांगी च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं 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 कालिके घोरे दौष्ट्रेव रुधिर प्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनि मम शत्रून् खाद्य खाद्य हिंस हिंस मारय मारय भिन्दि भिन्दि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा राम ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रुं समर्पयामि स्वाहा ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुं ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धाना चामुंडे सर्वजना राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नानि दिव्यकामिनी पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छक्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्ष स्वाहा कवचं दिव्यं कथितं शंभुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां युवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिकाया भवन्ति हि बलहीना पुत्रहीना प्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठना सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकरभाषितं श्मशानांगारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पृष्ट्वा कल्लिधे लोहशलाकया भूमौ शत्रुं हीनरूपान् उत्तराशिर
रसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठे शत्रुः प्राणप्रियष्ठान्तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रु गच्छयमक्षयम् ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिताभृशम् रुच्छनैर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमैश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिवृद्धिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनैयाति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात्किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवि सर्वसंपत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवि कालिके।